आएंगे। एक ऐसा शहर जहां मुर्दे को मोक्ष का इंतजार है। बारिश में लोग तिरपाल लगाकर चिता को बुझने से बचा रहे हैं। आखिर क्यों मरने के बाद भी मयस्सर नहीं हो रहा है मोक्ष? करेंगे पड़ताल झकझोरने वाली इन तस्वीरों की। दिखाएंगे 6 करोड़ का हाईटेक तबेला, जिसे हाईटेक लापतागंज भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इस हाईटेक बस स्टैंड पर सब कुछ गायब हो गया है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। नाले के पास झिरी बनाकर गंदा पानी पीने को मजबूर लोगों की भी तस्वीर दिखाएंगे। सवाल है, यह हकीकत जिम्मेदारों को नजर क्यों नहीं आती? और हमारे साथ मुरैना से अमित शर्मा जुड़ेंगे, राकेश यादव न्यूज 18 संवाददाता राजनाथ गांव से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये तस्वीर आपको भी झकझोर देगी, झिझोर देगी। मरने के बाद भी जब मुक्ति ना मिले, बारिश में तिरपाल का सहारा लेकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है कि कहीं बारिश में चिता भीग ना जाए। मुरैना से करीब 45 किलोमीटर दूर लक्ष्मणपुरा गांव में प्राचार्य अजीत सखवार का अंतिम संस्कार करना गांव वालों के लिए चुनौती बन गया। वजह थी, गांव में मुक्ति धाम है ही नहीं। सोचिए, मरने के बाद भी मोक्ष का इंतजार करना पड़ रहा है। मुरैना जिले के 25 से ज्यादा गांव में शांति धाम की दरकार है। कई मुक्ति धाम को अतिक्रमण से मुक्ति का इंतजार है। सड़क वाले रास्ते से शव यात्रा निकालना गांव वालों की मजबूरी है। इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं ये तस्वीरें। तो मुरैना के 25 गांव ऐसे हैं जहां मुक्ति धाम है ही नहीं, यानी कि मरने के बाद भी, इंसान की जान जाने के बाद भी, उसके अंतिम संस्कार में लोगों को दो चार होना पड़ता है। सरकार के द्वारा तमाम दावे और वादे किए जाते हैं कि हर गांव में शांति धाम से लेकर के अन्य सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में क्या है कि आज भी मुरैना जिले के 1 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जहां कहीं शांति धाम नहीं है तो कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर। इस गांव में भी यही हालात हैं कि शांति धाम नहीं है। जो शांति धाम था उस पर माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। खास बात यह है कि जहां नदी के किनारे ये अंतिम संस्कार करती हैं, उस जगह पर पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, इनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कब से यह परेशान हो रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पहले ग्रामीणों से ही। क्या नाम है दादाजी आपका? सुरेश डंडोतिया। डंडोतिया जी, किस तरीके की परेशानी आती है? रास्ता ही नहीं है, कहीं रास्ता छोड़ा नहीं, उसकी बाउंड्री कर दी है पूरे के लिए, रास्ता ही रहा है उसके लिए। कौन लोग हैं जिन्होंने बाउंड्री कर दी है? ये बाहर के लोग हैं, कोई बनाई है कॉलोनी बनाई ना, वो लोग हैं। कौन है ये तो ये नहीं पता है कौन है। आप लोग कब से परेशान हो रहे हैं? कम से कम 10 साल से, भले 15 साल से। और बड़ी समस्या सामना करना पड़ता है, पानी आ जाता है तो बहुत देर तक उनको रखा रहना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर जलाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत भी आपने? हर जगह करिए, पर उसका कोई अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है। न रास्ता है, न जलाने के लिए स्थान है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये कब से आप परेशान हो रहे हो? क्योंकि एक बड़ी समस्या है, लंबा चौड़ा गाँव है, क्योंकि अंतिम संस्कार करना एक बड़ी समस्या हो जाती है। कम से कम नहीं तो 20 साल हो गई, आज तक कोई सुनवाई नहीं। हर बार हमारे गांव का जो भी व्यक्ति ऐसे चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो जलाने के टाइम पे ऐसा लगता है कि कुछ होना चाहिए, उसके बाद फिर कुछ भी ना सरपंच करते हैं, ना सेक्रेटरी करते हैं, ना कोई प्रशासन, मतलब सरकारी प्रशासन करता है। अमित शर्मा, न्यूज 18 मुरैना। ऐसा मामला है, मैंने दाह संस्कार अपनी मर्जी से दूसरी जगह किया है, फिर भी मैंने अपने स्तर से इसमें एक निर्णय लेते हुए उनसे बोला है कि सचिव की रिपोर्ट भिजवाएं और वहाँ अगर शासन की तरफ से कोई शमशान घाट वगैरह नहीं है और उसके लिए जमीन चिन्हित करने की जरूरत है तो मुझे बताएं, तो पटवारी से बोल के जमीन चिन्हित करवा दूंगा। और अदरवाइज ऑलरेडी वहाँ पर शमशान है तो उसका रास्ता वगैरह क्लियर करवाएं और वहाँ जो भी एक बेसिक फैसिलिटीज़ की जरूरत होती है दाह संस्कार के लिए, टीन सेट वगैरह, वो उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करवाएं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अमित शर्मा, जिनसे हम जानेंगे आखिर क्या है मुक्ति धाम की जमीनी हकीकत, आखिर लापरवाही है किसकी। अमित, रास्ता भी आप दिखा रहे थे, रास्ते का तो छोड़ ही दीजिए, ये बताइए आखिर मुक्ति धाम आज तक बन क्यों नहीं पाया? हाँ बिल्कुल, देखिए
प्रशांत, एक ही गांव का मामला नहीं है, जिला मुख्यालय में मुरैना जिले में कम से कम 25 ऐसे गांव है जहां पर ना तो मुक्तिधाम है, कहीं मुक्तिधाम है तो उसके लिए पहुंचने तक के लिए रास्ता नहीं है। मैं इस वक्त जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर हूँ, क्योंकि दूरी लगभग कई गांव ऐसे हैं जो कि 100 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ मुक्तिधाम नहीं है। लेकिन खास बात तो ये है कि 5 किलोमीटर दूरी पर ही जो गांव है वहां ही मुक्तिधाम नहीं है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दूर दराज के गांव है वहां पर क्या स्थिति होगी। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि कब से ये मुक्तिधाम की समस्या से जूझ रहे हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मयंक रेंडोतिया। मयंक जी बताइए, क्या समस्या आती है मुक्तिधाम में? इतनी समस्या आती है, अगर बारिश हो रही हो तो हम अपने कोई भी बुजुर्ग लोग खत्म हो जाए तो पहुंचा भी नहीं सकते उनको वहां तक, सड़क पर रख के ही जलाना पड़ता है, नीचे ले जा नहीं सकते, पानी आ जाता है, झाड़ झकूड़े खड़े हैं, कॉलोनी बना रखी है, उसकी रास्ता नहीं है कहीं से भी कहीं तक, कोई रास्ता ही नहीं दे रखी किसी ने। तो सर आप बताइए कितने सालों से परेशान हो रहे हैं मुक्तिधाम? असल में क्या है, परेशानी तो लंबे समय से ही है, सदा से है, खास करके जब से दबंगों ने उस जगह पर कब्जा किया है। पिछले 15 वर्ष से पहले मध्य प्रदेश शासन ने 1 बीघा 5 बिस्वा जमीन का अलॉटमेंट किया था, उस अलॉटमेंट पे दबंगों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद एक बार ग्राम चौपाल के तहत मुरैना CO सोनिया मीणा जी गांव आई थी, उन्होंने उस पर कब्जा हटाने के लिए SDM साहब को पत्र लिखा था, रिमाइंडर भी भेजा था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके सिलसिले में राज्यसभा सांसद माया सिंह जी के द्वारा दिया गया जो था वो लैप्स हो गया और आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, उसका मूल कारण प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, बारिश के मौसम में फिर कैसे अंतिम संस्कार करते हैं? कहीं नहीं, हम रोड के किनारे, हाईवे के किनारे जो जगह पड़ी है। तो ये स्थिति है जो हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि बारिश में सड़कों के किनारे लोगों को अंतिम संस्कार करना पड़ता है। लेकिन अमित, वाकई सवाल बड़ा है, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां मुक्तिधाम है ही नहीं या फिर अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था है भी नहीं, अगर कहीं पर जमीन आवंटित की भी गई तो उस पर दबंगों का कब्जा हो गया। शुक्रिया अमित। और अब आपको दिखाते हैं 6 करोड़ का तबेला, इसे आप हाईटेक लापतागंज भी कह सकते हैं। दरअसल यह हाईटेक बस स्टैंड था, लेकिन इसकी तस्वीर जब आप देखेंगे तो खुद ही कह उठेंगे बस स्टैंड है या तबेला। राजनांदगांव में 6 साल पहले करीब 6 करोड़ की लागत से यात्रियों के लिए बस स्टैंड तो तैयार हुआ, लेकिन 6 साल बाद हालत बद से बदतर हो गई। वेटिंग एरिया में मवेशियों का जमावड़ा है, मुसाफिर बस के लिए सड़क पर इंतजार करने को मजबूर हैं, गंदगी का अंबार, बदबूदार बदहाल बस स्टैंड से यात्री परेशान हैं। ग्राउंड जीरो पर जब हमारे संवाददाता राकेश यादव ने पड़ताल की तो हकीकत होश उड़ाने वाली थी, पंखे, वाटर कूलर, डिस्प्ले स्क्रीन तक गायब हो चुके हैं इस बस स्टैंड के। ये वाकई तस्वीर हैरान करती है, देखिए आप, करोड़ों की लागत से बना ये बस स्टैंड आखिर तबेले में तब्दील हो गया है। मवेशियों का यहां पर जमावड़ा है, गंदगी चारों ओर पसरी हुई है, लेकिन जो यात्री हैं उनके लिए खड़े होने की भी जगह यहां पर नजर नहीं आती। अभी बारिश लगा है, जब से गोबर वोबर है पूरा बस स्टैंड, सब सवारी लोगों को बैठने उठने की सुविधा नहीं है, पानी वानी की भी सुविधा नहीं है, बाथरूम वाथरूम सब खराब है, चोरी भी होता है। हाँ, चोरी भी होता है। गाय का कोठा बन गया है, 1 महीना हो गया कम से कम, यहाँ कोई पब्लिक नहीं बैठ रहा ना कोई नहीं, उस पार भी है छुरिया रोड में उधर भी गाय बैठा रहता है, पूरा गोबर है, गोबर ही गोबर है। जो नया बस स्टैंड बना है वो अभी वर्तमान में 2 जगह बस स्टैंड संचालित है, जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ से भी अधिकांश कई बसें आवागमन करती हैं। बस ऑपरेटरों से बात हुई है कि आप लोग नए बस स्टैंड में शिफ्ट होइए और उनसे सहमति बनाई जा रही है कि जल्द से जल्द वो नए बस स्टैंड में शिफ्ट हो जाए, और वहाँ पर जो नया बस स्टैंड है पुराना बसें दोनों जगह पर निगम सफाई कराती है, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है वहाँ पर, इसलिए गंदगी भी। और राजनांदगांव से न्यूज 18 संवाददाता राकेश यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, ये वाकई ठीक है, बात हम सुन भी रहे थे कि भाई सफाई भी कराई जाती है, नया बस स्टैंड है, पहले ये बताइए ये बना कब, दूसरा ये कि अगर बसें संचालित नहीं हो रही तो क्या तबेला बना देंगे?
जी मैं आपको बता दूं कि ये 2018 में इसको लोकार्पण किया गया था, लगभग 6 करोड़ की लागत से बनाया गया था। और सबसे अहम चीज अभी बताना चाहूंगा कि अभी हम खड़े ग्राउंड जीरो पर, आप देखेंगे कि टिकट काउंटर में गाय अंदर घुसी हुई है। ये एकदम आश्चर्यचकित करने वाली बात है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं। ये देखिए अभी हम लाइव में खड़े हैं और गाय टिकट काउंटर के अंदर खड़ी है। ये टिकट काउंटर नंबर 5 और 6 है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं। ये टिकट काउंटर 5 और 6 है, यहाँ से जो बसें जाती हैं छुरिया डोंगरगांव डोंगरगढ़ के लिए। और चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस हाल में गंदगी है, क्या स्थिति है, और गोबर का अंबार लगा हुआ है। मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद है यहाँ जो देख रहे हैं स्थिति, जो बस स्टैंड की हाईटेक बस स्टैंड सिर्फ नाम का रह गया है। ये मवेशियों का तबेला सीधे सीधे नजर आ रहा है। जी बताएंगे क्या है, क्या मानते हैं जी? इसका नाम रखा गया था हाईटेक बस स्टैंड, लेकिन जो अव्यवस्था यहाँ पे नगर निगम के द्वारा फैलाई गई है, मैं तो कहता हूँ कि घुटने टेक व्यवस्था यहाँ पे हो गया। हाईटेक से घुटने टेक चुका है यहाँ का व्यवस्था, बताने की जरूरत नहीं है। आपने दिखाया यहाँ पे, ये तो अभी का व्यवस्था है। रात के जब आप आएंगे तो यहाँ पे जितने भी नशा का काम हो सकता है वो सारा यहाँ से होता है। और जो भी यहाँ पे पूर्ववर्ती सरकार, जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने बहुत ही शानदार यहाँ की व्यवस्था के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए इसे बनाया था। लेकिन आज यहाँ पे यात्री आने को भी डर रहे हैं कि ये अव्यवस्था में हम कहाँ पे आएंगे, कैसे हम यात्रा करें। अभी हम खड़े हैं, क्या मानते हैं? मेरा मानना है राजनांदगांव नगर निगम की महापौर और सबसे पहले तो ये व्यवस्था देखने के लिए यहाँ के पार्षद को, जो दो बार के पार्षद हैं, कांग्रेसी है विनय झा जी, तो उनसे मैं ये मांग करूंगा कि यहाँ आम जितने लोग आते हैं आने जाने के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने कैमरे भी है कैमरे को भी तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर इतने मवेशी और नशे करने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल यहाँ 24 घंटे रहते हैं। और आसपास आप देख लेंगे कि एक व्यवस्था ऐसी बनी नहीं है कि यहाँ से लोग आना जाना कर सके। जी बताएंगे अंदर क्या घुसी हुई टिकट काउंटर में, क्या कहना है? जी एक प्रकार से ऐसा है कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहाँ हाईटेक बस का जो स्थापना किया था, एक नींव रखा था, ये मजबूती से यहाँ पे सफलता दिखाई दे रही। लेकिन क्या होता है कि ये निगम क्षेत्र में आने के कारण इसका बागडोर जो है वर्तमान में महापौर हेमा देशमुख जी है, उनको यहाँ पर एक बार आकर के देखना चाहिए। उनके बिल्कुल राकेश, राजनांदगांव का 6 करोड़ का ये बस स्टॉप अब वाकई तबेला बन चुका है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि अगर इसे संचालित नहीं करा पा रहे हैं तो फिर ये परिवहन विभाग का भी बड़ा फेल्यूर है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो ग्राउंड जीरो में बस इतना ही, खबरें जारी हैं।